सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल टैग विद संजय को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, तो फिर से हम लोग आ गए हैं और एक नई वीडियो का साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे टेलीग्राम के बारे में। तो टेलीग्राम में आपका चैनल का जितना भी मैसेज है उसको डिलीट किस तरह से किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई किस तरह से आपका चैनल का या फिर ग्रुप का जो भी है उसको आप किस तरह से डिलीट कर पाओगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपना टेलीग्राम चैनल पर। भाई प्लीज़ उससे पहले जो है वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी तरह का वीडियो जो है आपको आगे भी मिलता रहे। तो टेलीग्राम पर हम लोग आ चुके हैं। अभी मेरा पास एक चैनल है, सबसे ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा TheRizults.com के नाम पर। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे ही मैसेज जो है यहाँ पर मैंने डाला हुआ था, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ मैसेजेस है। तो आपको अगर इन सभी को, आपका पास बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपको उन सभी को एक साथ में ही डिलीट करने के लिए मैं आपको आइडिया दूंगा किस तरह से किया जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से किया जाता है। एक ही साथ में आपका जितना भी चैनल में जो भी आपका मैसेजेस है सब कुछ आपको डिलीट करना है तो किस तरह से करना है। तो भाई सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा आपका चैनल पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक पेन का ऑप्शन मिलेगा, तो ये एडिट का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर ही क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नीचे में, देखिए इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आपको ऐड एडमिन पर क्लिक करना है। आपको एडमिन जो है ऐड करना है। तो एडमिन ऐड करने से जो है आपको यहाँ पर क्या एडमिन ऐड करना है मैं बताता हूँ। आपको ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा DEL DEL ALL। ठीक है, मतलब डिलीट ऑल, सॉरी DEL है, उसका बाद ऑल लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पर आपको 1 2 3 ऑप्शन मिल रहा है डेल बॉट का। तो आपको जो है यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन चूज़ करना है डेल बॉट का। ठीक है, तो इसी पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सब परमिशन जो है ऑन कर देना है। ये ऑफ है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पर जो है आपको ओके कर देना है। यहाँ पर आपको ओके दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो नीचे में आपको आ गया है कि भाई डेल बॉट जो है वो एडमिन हो चुका है, प्रोमोट हो चुका है, देखिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, एडमिन जो है ये प्रोमोट हो चुका है। अभी मैं इसको बैक कर देता हूँ और अपना चैनल पर चलता हूँ। तो ये मेरा चैनल है। तो यहाँ पर आपको अभी इन सभी को डिलीट करने के लिए करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको एक कमांड देना पड़ेगा, तो कमांड जो है आपको क्या लिखना है मैं बताता हूँ। आपको ये देना पड़ेगा, उसका बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आप जो है यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, स्लैश देने का बाद जो है आपको लिखना है DEL ALL, सेम लिखना है आपको DEL ALL। ठीक है, आप देख लीजिए इसको DEL ALL देना है, उसका बाद जो है आपको इसको मैसेज सेंड कर देना है। तो जैसे ही आप सेंड करोगे देखो ये डिलीटिंग हो रहा है, तो ये डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पर मेरा जितना भी मैसेज था ये डिलीट सब कुछ हो चुका है, पर सबसे पहला वाला मैसेज जो अभी तक डिलीट नहीं हुआ है इसका थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा, पर ये जो है जितना भी आपका नीचे का था सब कुछ जो है आपका डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपना चैनल का जितना भी मैसेजेस है एक ही बार में आप इसको डिलीट कर सकते हो, और आप इसको जो है ये पहला वाला जो है आपका, तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हो, आपका जो है मैन्युअली आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको आराम से डिलीट कर सकते हो मैन्युअली, वो भी आप कर लेना, नहीं तो ये अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो देखिए यहाँ पर जो है आपको डिलीटिंग का ऑप्शन आ रहा है, मतलब अभी भी ये डिलीटिंग का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, मतलब ये जो है अभी तक डिलीट नहीं हुआ है, तो अभी तक डिलीटिंग का प्रोसेस यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है। तो ये जब डिलीट हो जाएगा तो ये डिलीटेड का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो है ये थोड़ा टाइम लेगा पहला वाला। तो आप इस तरह से अपना जो भी मैसेजेस है अपना चैनल पर, ग्रुप पर, तो आप इसको इस तरह से डिलीट कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे ही मिलता रहे। तो वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।